भाभी जी घर पर हैं। आ लीजिए मिठाई खाइए। कंग्रेचुलेशन, बहुत बहुत अच्छा हुआ कि आपने टैक्सी खरीद ली। बस भाभी जी यूँ समझ लीजिए कि ये टैक्सी आप ही के लिए खरीदी है। इस टैक्सी को चलाएगा कौन? आपने कोई ड्राइवर रखा है? अगर कोई सस्ता सुंदर टिकाऊ ड्राइवर मिल जाए तो सोचेंगे। मैं चलाऊंगा आपकी टैक्सी, दिल्ली का 1000 रुपीज लूंगा। आज से आप हमारे ड्राइवर नियुक्त हुए। मेरा असल मकसद तो भाभी जी के साथ टैक्सी में घूमने का है। चलिए अच्छा है, बकरा खुद ही जाल में फंस रहा है। भाभी जी आइए ना, सिखाता हूँ गाड़ी आपको। 2 मिनट लगेगा, 2 मिनट सिखा दूंगा, 2 मिनट के अंदर। हम ना ही कर सकते हैं डिलीवरी। भगवान ना करे कभी ऐसा दिन आए। मैंने कहा भाभी जी सिखा देता हूँ, 2 मिनट लगेंगे। ठीक बा, तो आप संभाल लेंगे? अरे हम तो कब से संभालने की कोशिश कर रहे हैं, मौका तो दीजिए। अब आप देखिए क्लच दबाइए और इस पे फर्स्ट गियर डालिए। भाई मैं हिट में। गाड़ी जी राइट कर, राइट संभाली 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 संभाली। 1 रुपया ना बचा। अब समझ में नहीं आ रही है भैया कि आगे काम कैसे चलेगा। सही कह रहे हो जालिम यार, अब बार बार एक्सीडेंट भी कैसे होगो। तुम्हारे जैसे कितनी ही नागिनों को अपनी बीन के धुन पे नचाया है। मुझे अपनी बीन पे नचाने वाले? कहीं ऐसा ना हो कि तू हैड बीन हो जाए। देखते हैं कि कौन हैड बीन होता है। लाश मैंने डक्की में रखी है, अब सोचो करना क्या है। करना क्या है? अब सोचते हैं कि लाश को ठिकाने कैसे लगाएं। ठिकाने? ऐसे वैसा रे, जुर्म करोगे तो बाकी सजा मिलेगी। तिवारी जी ने खून नहीं किया। जब बात आप इतने यकीन से कैसे कह सकती हो कि जाने खून नहीं करो। हप्पू सिंह जी खून, हप्पू सिंह जी, पता नहीं तुमने हप्पू सिंह जी खून मैंने किया है। हेलो, कोई नहीं, लेट्स गो। मैडम आपने ज्यादा पी ली है। हाँ टैक्सी वाले भैया, टैक्सी वाले ये ना, मेरे हस्बैंड ने पूरी 2 बोतल पी ली है, जल्दी से घर पहुंचा दीजिए। कैन आई हेल्प यू मैम? नो, आपकी कोई हेल्प की जरूरत नहीं। चलो पहले बताइए तो सही, इनको हुआ क्या है? हुआ क्या है? बड़ा सिंपल सा आंसर है, इन्होंने पी रखी है, पी के टाइट, यही हुआ है। लेट्स गो। शराब भी कितने कमाल की चीज होती है ना। इंसान जब पीने बैठता है तो सोचता है सिर्फ 2 पैग पीऊंगा, लेकिन जब पीने लगता है तो बोतल कब खत्म हो जाती है पता ही नहीं चलता। हमारे पिताजी थे ना, बहुत बड़े ड्रंकन थे, 1 बोतल रोज चाहिए होती थी उनको। क्या कर सॉरी, वो कीड़ा बैठ गया था। I'm sorry. बड़ा अभी काम कीजिए, आप ये गोंद रख के बैठ जाइए, डिक्की नहीं खुलेगी। डिक्की नहीं खुलेगी? साले टैक्सी के मालिक हम हैं, हम बोल रहे हैं ना डिक्की खुलेगी, तो तू कौन होता मना करने वाला? मैं जो भी हूँ लेकिन ये डिक्की नहीं खुलेगी। ये पैंट खोलने के लिए नहीं कह रहे हैं, जितना फबल रहा है। पैंट खोल दूंगा लेकिन डिक्की नहीं खुलेगी। साले तुझे लात मार के नौकरी से बाहर निकाल देंगे, समझा? जो उखाड़ना उखाड़ लो, डिक्की नहीं खुलेगी। डिक्की खुल के रहेगी। डिक्की नहीं खुलेगी। डिक्की खुलेगी। डिक्की नहीं खुलेगी। खुलेगी? डिक्की नहीं खुलेगी। एक मिनट, क्या तमाशा लगा रखा है आप लोगों ने। देखिए ना डिक्की जी, भाभी जी को खोलने से मन, देखिए ना भाभी जी ये डिक्की खोलने के लिए मना कर रहा है। तिवारी जी आप भी कोई कम नहीं है, जब वो कह रहा है कि डिक्की नहीं खुलेगी तो क्यों पीछे पड़े हुए उसके? भाभी जी हमें टैक्सी के मालिक हैं। हाँ तो ठीक है, एक ही टैक्सी है ना आपकी, आप तेवर तो ऐसे दिखा रहे जैसे कि 50 घूम रही है मार्केट में। वैसे बात करते अपने मुलाजिम से। तिवारी जी आई डिडंट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम यू। हाँ अब बिल्कुल ठीक बोल रही है अनीता जी, काहे हर बात बात पर बहस करते हैं। चुपचाप अपने लैपटॉप पर रख लीजिए ना ये की फाट को। वो लैप कहना चाह रही है तिवारी जी, सही पकड़े हैं। सॉरी सॉरी भाभी जी। हाँ इट्स ओके, चलिए चलिए चलिए। बैठ बैठ। अरे क्या कर रहा है तेरी, कीड़ा है तेरी, कीड़ा। बैठ बैठ, तू नाली का कीड़ा साले। कहो
हुआ? कुछ नहीं है डिक्की में, कुछ नहीं, चलो आइए चलिए। हमें तो पंजीरी बांट रहे हैं, रात दिन परेशान है कुत्ते जैसे। तू सारे गवर्नर है, कलेक्टर है, तू डिसाइड करेगा डिग्गी देखे ना देखे? हम करेंगे ना, हम करेंगे, हम देखेंगे सारे। तू बिल्कुल चुपचाप खड़ो रहे, डिग्गी देख करेंगे हम। हाँ चलिए दिखाते हैं आपको, खोलिए डिग्गी। अच्छा प्रिश्णाव, प्रिश्णाव, प्रिश्णाव सारे। लेकिन गुलफाम तुम चीटिंग कर रही थी या? नहीं नहीं हुजूर, चीटिंग हम नहीं कर रहे थे, बल्कि बार बार चीटिंग करने की कोशिश आप कर रहे थे। हमने तो एक बार भी चीटिंग नहीं की है। अच्छा तो फिर कमिश्नर साहब हुंकार मारकर बार बार हमें नीचे क्यों गिरा देता था? ओए दिया, अब कमिनेशन साहब आपका सांप वाले हैं। कमिनेशन तो सही कहा आपने, लेकिन वो कमिश्नर होता भाभी जी। सही पकड़े हैं, अब बताइए ना सांप वाले हैं का? बड़ो औरत पता नहीं कैसे वाहियात सवाल पूछ रही है। यू शट अप, यू आर अ क्रिमिनल, ओके? डोंट से अ वर्ड टू हर। अब पुकारना तो साहब की फितरत है। फितरत है सारे, तेरी फितरत है जा। सारे बहुत चबड़ चबड़ कर रहे हो ना, सांप सीढ़ी को खिलाड़ी हो रहा हो का? देखो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। क्या हुआ? जब हम उस कमरे से निकले तो हमने अनीता की पिक्चर्स और वीडियो क्लिप तो ली नहीं। यार क्या करते हो अनु यार, इतनी बड़ी गलती, हाउ कैन यू डू दिस? वापस जाना पड़ेगा। विभु कुछ मिला तुम्हें? अभी तक कुछ नहीं मिला यार। ढूंढो विभु ढूंढो, अगर वो पिक्चर्स और वीडियो क्लिप किसी गलत आदमी के हाथ लग गई तो उस लड़की की जिंदगी खराब हो जाएगी। डोंट वरी, अगर सबूत इस कमरे में है तो मेरी तेज नजरों से बच नहीं सकता। I've got hawk eyes. चुपचाप से वो तस्वीरें मेरे हवाले कर दो। तुम हो कौन? मैं वही हूं जिसने उस आदमी को मार डाला जिसके खून का इल्जाम तुम्हारे सर लगा है। तुम हो खूनी, तुमने उस आदमी को मारा है? हाँ, मैंने ही मार डाला उसे। लेकिन भाई साहब आपने मारा क्यों उसको? पार्टनर था वो मेरा, हम दोनों मिलके नई नई औरतों को ब्लैकमेल करते थे। Interesting profession. लेकिन साला वो गद्दार निकला। वो सारा पैसा हड़प कर लेता था। और जब मुझे उसके इस कांड के बारे में पता चला, तो मैंने उसे मार डाला। Wow, that's nice. देखो, तुम चुपचाप अपना गुनाह कबूल कर लो और अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। पुलिस में तो अब तुम दोनों जाओगे। चुपचाप से वो तस्वीरें मेरे हवाले कर दो, या तो 10 लाख रुपए दे दो, नहीं तो वैसे भी मैं तुम दोनों को मार के वो हासिल कर ही लूंगा। हमरा ना सपना था कि हमरा शादी ना कोनो पुलिस वाले से हो। आज भी जब हम कोनो पुलिस वाले को देखते हैं ना, हाँ, तो हमको ना ऐसे कुछ कुछ होता है। रेली? आपको यूनिफॉर्म में देख के कुछ कुछ होता है? वाह। गोपियों का हरण कर कंस करता है उनके पूर्व जन्म का सत्य उजागर। तुम सब उन चारों ऋषियों का पुनर्जन्म हो। अब देख तेरे उस अंश, तेरे उस परम अवतार को अपने समुख आने के लिए कैसे विवश करता हुआ। गोपियों की रक्षा करने जा रहे बलराम तथा कान्हा फंसते हैं नरभक्षी वन में, कैसे करेंगे अपनी भक्त गोपियों। क
कैसे लग रहे हैं इस ड्रेस में? रागिनी जी, आप बहुत खूबसूरत हैं, और आप इस ड्रेस में क्या, हर ड्रेस में अच्छी लगेंगी, पर आप प्यारी उसी ड्रेस में लगेंगी जो आपकी पसंद की हो, जिसमें आप रागिनी लगे। हम बता नहीं सकते कि कितना गर्व महसूस कर रहे हैं तुमको ये काला कोट में देख। हम ना अभी दही चीनी लेकर आते हैं। गालिब सिंह, तने उस बकरूपियों को ढूंढने के लिए कहीं जाने की जरूरत ना से है। रघुवीर सिंह जी खुद उस गुनाहगार को पकड़ के ला रहे थे। जालिम सिंह, ये रहा तेरा गुनहगार। सबको सच सच बता दे, क्या बात है? सच तो बताना ही होगा मालती बहन, और वो भी सारे पंचायत के सामने। पंचायत तो कल बैठेगी, कलियों लाखा का फैसला आज ही होगा, और मैं सुनाऊंगा इसकी सजा।